क्या करेंगे, खा जाएंगे इसको? खा ले, दोपहर तो हो ही चुके हैं, खा ले। तो एज़ यूजुअल हम फिर से आज सोचे थे कि सुबह उठ करके योगा करेंगे, बट रात को इतनी बारिश हुई कि छत अभी भीगा हुआ है पूरा, इसीलिए हम उठे भी नहीं थे सुबह सुबह, बट बंदर आ गए थे तो उठना ही पड़ा। रात को इतनी बारिश हुई थी, इतनी हवा चल रही थी कि बहुत सारे आम जो है वो गिर गए थे। ये देखो हालत छत का, ये देखो काफी सारे आम गिर गए हैं। आज छत को क्लीन कर देना। छत भीगा हुआ है, क्लीन कैसे करेंगे? भीगा हुआ इसलिए क्लीन ज्यादा अच्छे से होगा। कितने आम गिर गए यार। बंदर को आज रेडीमेड मिला है आम, नीचे पड़ा हुआ, उसको तोड़ना भी नहीं पड़ा है, आकर के सीधा उठा लिए और खा लिए। ये देखो ये वाला आम भी खा रहा था, वो ये जो खा रहा था तो मैंने आकर के भगा दिया, तो ये लेकर भी नहीं गया, यहाँ पे छोड़ दिया। वो तुम्हारे लिए छोड़ कर गए, और थोड़े दिन रहते तो पेड़ में ही पूरा पक जाता। ये देखो आम काफी बड़े भी हो गए हैं। उधर से घिसना पड़ेगा। क्या हो गया? ये लो। ये देखो कितने सारे आम हो गए, एक बाल्टी भर के आम कल गिरा था नीचे, तो और भी मिलेंगे। पापा सुबह उठ करके उठाए के नहीं पता नहीं है, जा करके देखते हैं नीचे। तो नीचे ज्यादा आम गिरे नहीं है, ये जो आम है वो छत से लाए हैं, और नीचे जो ये सब आम देख रहे हो ये सब नीचे गिरे थे, वो पापा उठा करके रखे हैं यहाँ पे। मिक्सर ग्राइंडर के कप में पियोगी क्या चाय? अगर सोचो अगर ऐसा होता मिक्सर ग्राइंडर में चाय पीते। बिस्किट तो ले लो। नहीं बिस्किट नहीं। नहीं। आज बनाएंगे स्पेशल आपके लिए आलू के पराठे। आलू के पराठे बनेंगे आज सुबह के नाश्ते में? हाँ। खुश नहीं हो? खुश हूँ, मतलब बहुत ही खुश हूँ, काफी दिन हो गए आलू के पराठे खाए। क्या मिलेगा मुझे? देखा जाएगा, पहले खिलाओ तो। बढ़िया स्मेल। तो ये प्याज रेडी है यहाँ पे, और अभी क्या जाएगा? हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, थोड़ा सा लहसुन, लहसुन ज्यादा नहीं। आलू के पराठे सब क्या होगा पता है तुम्हें? क्या होगा? दही। आलू के पराठे तो दही के साथ ही खाते हैं, बट मुझे उतना अच्छा नहीं लगता। अच्छा अच्छा लगेगा। और लास्ट जो वीडियो है ना वो टीवी में चालू कर दे। ढूंढ नहीं पा रही थी क्या? नहीं, वो तो सैम्स ब्लॉग में नहीं है। जो है उधर चालू कर दे। ओपन यूट्यूब। ये वीडियो जो आप देख रहे थे अभी वो है एक कोला वीडियो, जो हमारे डायरेक्टर साहब है उनके साथ मैंने कोलाबोरेशन में ये वीडियो बनाया था। ये वीडियो बेसिकली डेडिकेटेड है टू ऑल द मदर्स जो कि अपने बच्चों से दूर रहते हैं, और वो सारे बच्चे जो कि अपने माँ से दूर रहते हैं, कोई काम के सिलसिले में या फिर कोई भी रीजन हो बाहर रहते हैं। ये वीडियो एक्चुअली बनाया गया है बंगाली में। अगर आपको बंगाली समझ में आती है तो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आएगा। इस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जरूर से जाइए और इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए। अरे वाह, यही देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है, सोचो पराठे कैसे होंगे। तो द आलू के पराठे इज रेडी, और अभी वक्त है इसको खा जाने का। तो यार काफी दिनों बाद हमारे घर में आलू के पराठे बने हैं, कमाल बना है, कमाल। सच में बोल रहे हो वीडियो के लिए बोल रहे हो? बिल्कुल सच में। मोह ने बनाया रायता, और मोह का रायता जो है वो हमारे फैमिली में बहुत फेमस है। तो तुमने बनाए हो तो वो अगर तुम ही खिलाओगी तो और भी स्वादिष्ट लगने लगेगा। तुमने बोला इसलिए मेरे तरफ से। बहुत ही लाजवाब है, थोड़ा सा भी बढ़ा कर नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप लोग खाते ना तो समझते। बहुत ही बढ़िया बना है, थैंक यू सो मच। मेरे हाथ के आलू के पराठे दोनों का खिलाना है मुझे। एक है डीजे, मेरा देवर जी। डीजे मतलब देव की बात कर रहे हैं, वो मामा का बेटा। और एक भाई शुभ, वो मौसी का बेटा है। दोनों ही खाने का बहुत शौकीन है यार। बहुत ही बढ़िया बना है, बहुत ही बढ़िया, इतना बढ़िया बना है कि बोल कर थक नहीं रहा हूँ। तुझे तो कुछ पड़ी नहीं है, मैं बोले जा रहा हूँ तब से बढ़िया बना है। नहीं नहीं यार, वैसे ही घर में बैठे हुए हैं, ये सब अगर खाते रहेंगे आलू के पराठे विद एक्स्ट्रा बटर, रोटी विद घी, तो लॉकडाउन जब तक खुलेगा तब तक तो हो गया काम। ऐसे करके ऐसे किया
मैंने सोचा तुम नाक से निकल मुंह में डाल रहे हो, फिर मैंने देखा नहीं। हुआ क्या था एक्चुअली, ये चम्मच से जब रायता खाने लगा था तो यहाँ पे लग गया था मोस्टैच पे, तो वो मैंने यहाँ से लेकर के चाट लिया, तो वो देखकर बोल रहे कि तुम नाक से निकाल के खा रहे थे क्या। मैं इधर कुछ कर रही हूँ, उठ के गिरेगी तो पता चलेगा। बोलो क्या क्या बैठ के तो बोर हो रहे हैं, तो अगर कोई काम हो तो बता, काम करते हैं कुछ। चल छत पे चल, क्लीन करते चल। अभी छत क्लीन करेंगे? हाँ। दिमाग ठिकाने है, छत क्लीन करना पता है। नहीं नहीं करेगा इसलिए ऐसा बोल रहे। यार बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, सुबह एक घंटा तो, लग... तो बहुत ज्यादा नाश्ते किए थे ना, चल उसे बांध करते हैं। तेरा अभी मन नहीं है यार, बाद में करेंगे। चल तो कुछ नहीं करेगा, सुन तू ऐसा बोल रहा है। कल से ये बोले जा रही है कि मैं कुछ नहीं करता, मतलब क्या है? आज नहीं किसी और दिन करते। नहीं आज तू फेंक रहा है। चल करते हैं, चल चल यार। धूप देख यार, बहुत ज्यादा धूप है। जो गंदगी है वो भी तो देख। अरे गंदगी तो है, बहुत ज्यादा धूप है, कड़ी धूप। मगर आज थोड़ी सी हवा है। साफ करेंगे किससे? झाड़ू वाड़ू कहाँ है? कहाँ पे है झाड़ू? इधर नीचे जा। तो यार अभी झाड़ू लेकर के आते हैं, छत पे झाड़ू है ही नहीं। ले झाड़ू लेकर के आ गया मैं। अभी कैमरा पकड़। देख साफ हो गया, बहुत ज्यादा साफ। छोड़ दे चल निकलते, मेरे वजह से गंदगी मची है। हाँ। देख हिरोशिमा और नागासाकी में जो बॉम्ब्स गिरे थे ना, एटम बॉम्ब्स, वो मेरे वजह से ही गिरे थे। तू छोड़ दे, मैं कर देता हूँ। हाँ। तू रोज यही बोलता है। रुक दे, उधर से चालू करते हैं। देख अभी तक तू कर रही थी काम। हाँ। क्या साफ हुआ? कुछ नहीं। अभी देख मैं क्या करता हूँ, पूरा साफ करके रख दूँ। तू खत्म होने दे काम पहले, फिर बोलना। मैं जब वहाँ पे झाड़ू लगा रहा था तो वहाँ पे खड़ी, अब यहाँ पे झाड़ू लगा रहा हूँ यहाँ पे खड़ी है। तू इधर आ जा, सारे गंदगी जा रही है तेरे ऊपर। नहीं मेरे पास। तू बोल रही थी ना मैं कुछ नहीं करता हूँ, अभी देख ले। अकेले हो सकता है तुमसे? हाँ, मैं हेल्प कर थोड़ा सा। कोई जरूरत नहीं, ये इतना हल्का है, देख कितना हल्का है। क्या सोच क्या रही है, मैं हूँ ही ऐसा। थोड़ा सा काम करके तो यार कितनी धूप में पसीना नहीं आएगा क्या? इतना हल्का चीज है काम का। मैं सख्त लौंडा, सख्त लौंडा नहीं, हैशटैग सख्त लौंडा। एक मजे की बात बताओ? बता। जब जब मेरे गुलाब के पौधे अच्छे हो जाते हैं, बंदर जो होते हैं ना वो आकर, ये बंदर जो है ना, कोई भी पौधे कोई भी फल उगने ही नहीं देते, पहले खा बा के सब निपट देते। ऐसे क्यों रख रहा है? देख इसको बोलते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, एकदम अलाइनमेंट से रखे हैं, अपने आप में डिस्टेंस मेंटेन करके रखे हैं। काम तो अभी है भाई, ये क्या हुआ? ये क्या है? तो घास फूस उगा रही है यहाँ पे, ये तो मिट्टी निकल के आ रहा है। आने दो, मिट्टी को चेंज कर देते। क्या थे और क्या हो गए? देख बोल रही थी ना कुछ काम नहीं करता हूँ मैं। मैं तुम लोगों को एक बात बताती हूँ, उनको पता नहीं है, ये देखो वो ऊपर काम कर रहे हैं। क्या बोल रही है? मैं आज कुछ ऐसा करूँगी, तुम लोगों को उनका रिएक्शन दिखाऊंगी, देख लेना। सारे कचरा वहाँ पे रख, वहाँ पे रख देते हैं। क्यों? मतलब वहाँ पे जमा करते हैं। फिर क्या करेंगे, खा जाएंगे इसको? खा ले, हम के पेट में काग उस करना पड़ेगा ना। या फिर कैसे मतलब फिर से थक गई बाबा, पानी पीवानी मजा नहीं लाइफ। कहाँ से सीखा? बगैर कहाँ से सीखा ये लाइन? ये पूरे लॉकडाउन में जितने दिन एक्सरसाइज मैंने नहीं किया है, सारे दिनों का एक साथ कर लिया आज मैंने। तुम्हारे भाई अभी बहुत गुस्से में है मेरे ऊपर, उनके मन में यही चल रहा है मुझको छत से उठाकर नीचे फेंक दे। गुस्सा ठंडा हुआ तेरा? किस बात का गुस्सा? पानी फेंकने का। कौन सा पानी फेंकने का? तुम्हारे ऊपर जो पानी फेंके थे। कब? अभी अगर जुकाम लग गया तो क्वारंटाइन कर देगा पता है। एक बैग कचरा कलेक्ट हुआ है, ये देखने में एक बैग लग रहा है बट है बहुत ज्यादा। अरे झाड़ू वाला आया घर से कचरा निकाल, झाड़ू वाला आया घर से कचरा निकाल, झाड़ू वाला आया घर से कचरा निकाल, झाड़ू वाला आया घर से कचरा निकाल। अभी बज रहा है 5:30, तब छत से आते आते बज गए थे 2:30, 2 घंटे का मस्त एकदम नींद आई है। ये क्या गिरा है अभी, ये क्या है?
अरे यार एक पत्ता भी गिरा और तीन पत्ता गिर गया है। पकड़ तो ये उठा के फेंक देता हूँ पहले। वो देखो यार बंदर वो ऊपर बोल रहा था ना कि बंदर उसी पेड़ में रहते हैं तो आज दिखा भी दिया। देखो ये देखो कौवे भी आ गए हैं यहाँ पे, ये भी आम खाते हैं। तो तुम बोल रही थी कि छत दिखाओगी, क्या हुआ? तो ये देखो हमने सुबह जो मेहनत से काम किया था, ये देखो कोना कोना, देखो कोना कोना, देखो पूरी मेहनत और लगन से हम लोगों ने यहाँ पर सफाई अभियान चलाए हैं। देख रहे हो ये कहाँ पे था, कैसे था। अब इसको हमने सेटल कर दिया है, देखने में बढ़िया लग रहा है अभी। तो यार अभी हम लोग बनाने वाले हैं मिल्क शेक। आज तो सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ नया खाते जा रहा हूँ। तो मिल्क शेक बनाने के लिए क्या क्या लगेगा अभी बता। मतलब बर्फ खाएंगे हम लोग, सिर्फ बर्फ। मतलब पहले आता है बर्फ, चॉकलेट, चॉकलेट, मिल्क तो बाद में लास्ट में आता है। आज चल क्या रहा है तेरा बता तो। सुबह आलू के पराठे, अभी मिल्क शेक, इतना प्यार कहाँ से आ रहा है? तेरा मतलब क्या है, तुझसे प्यार नहीं करती? एक दिन में इतना ज्यादा हजम नहीं हो रहा है। सो गाइस आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा है, और अगर यहां तक आपने वीडियो को देख लिया है तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करके जाना। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, टेक केयर, गुड बाय।